हेलो गाइस, वेलकम टू सीएचडी। माय सेल्फ चेतन सिंह। आज हम लोग करेंगे कंफर्म मैपिंग पार्ट थ्री। इसके पहले हम लोग पार्ट टू पार्ट वन कर चुके हैं और थ्री टाइप्स हो चुके हैं, तो आज टाइप फोर करेंगे क्रॉस रेशियो। तो देखो फॉर्मूला क्या है क्रॉस रेशियो का, जेड माइनस जेड वन, जेड वन माइनस जेड टू, जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड थ्री माइनस जेड। ये पैटर्न याद रखना है तुम लोग को। और सेम इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू। ओके, अच्छा अभी देखो क्वेश्चन है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद मैप्स ऑफ पॉइंट्स 0i माइनस y ऑन 2 माइनस 4i इनफिनिटी 0, फाइंड फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो मेरे को मैपिंग करना है। अच्छा, बट अभी ये सेम सम ऐसा मैंने उसमें भी तो क्या था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। देखो अगर इन्फिनिटी वाला सम आया तो मेरे को क्या करना है, क्या क्रॉस रेशियो यूज करना है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कौन सा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, w = az + b / cz + d था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में क्या था हम लोग ने, तो इनफिनिटी वाला समय तो वो क्रॉस रेशियो से करो, याद रखो। ठीक है, वो सम भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उससे, वो सम सीजी देते हैं जिसमें इनफिनिटी नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, ये कौन सा जेड है कौन सा वेक्टर, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो जेड टू डब्ल्यू में मैपिंग करते हैं, ये जेड है मेरा और ये क्या है डब्ल्यू। तो एक्चुअली मेरा जेड वन क्या हो जाएगा, जीरो, जेड टू आई, जेड थ्री माइनस टू आई, हाँ W1 हो जाएगा माइनस फोर आई, डब्ल्यू टू इन्फिनिटी और W3 हो जाएगा जीरो। ओके, अभी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, तो मैं क्रॉस रेशियो से करता हूँ। हाँ, सिंस क्रॉस रेशियो इज, तो फॉर्मूला लिखा मैंने पूरा, Z माइनस जेड वन, जेड वन माइनस जेड टू, जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड थ्री माइनस जेड, और इधर पूरा W से रिप्लेस करो। ठीक है, समझाइए सेम फॉर्मूला। अच्छा अभी अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चलो z माइनस जेड वन, जेड वन कितना है मेरा जीरो, ओके, z टू माइनस जेड थ्री आई माइनस ऑफ माइनस टू आई ना, ओके, एंड देन जेड वन माइनस जेड टू जीरो माइनस आई, और जेड थ्री माइनस जेड माइनस टू आई माइनस जेड। हाँ ठीक है, इधर अभी सेम w माइनस डब्ल्यू वन, अच्छा w वन क्या है मेरा माइनस फोर आई, तो w माइनस ऑफ माइनस फोर आई, ओके, देन W2 W1 माइनस W2, W1 क्या है, हाँ बट W2 इन्फिनिटी है ना। ठीक है, तो एक काम करो ऐसा लिखने का, माइनस फोर आई, हाँ W2 लिखो, इन्फिनिटी मत लिखो, बस रीजन। ओके, देन वापस W2 इन्फिनिटी, तो W2 टू लिखना है, W2 लिखना है, इन्फिनिटी नहीं लिखना है, और W3 का वैल्यू क्या है मेरा, W3 कितना है जीरो, ओके, एंड देन W3 माइनस W। ओके, अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा z i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन टू थ्री आई हो गए, ओके, देन माइनस i और ये माइनस टू आई माइनस z, यहां पे आएगा w प्लस फोर आई w टू। हाँ, अब ध्यान रखो कभी भी इन्फिनिटी का सम आया ना, इन्फिनिटी दिया है ना, उसको कॉमन ले लेगा, क्यों कॉमन लेने का मतलब मालूम है, क्योंकि देखो वन अपॉन या एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी ना, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो ना, या चलो ए लिखता हूँ, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो। तो एक काम करो इसमें से डब्ल्यू टू कॉमन ले लो, तो क्या आएगा माइनस फोर आई अपॉन डब्ल्यू टू माइनस वन, और ये माइनस डब्ल्यू ना, तो बेसिकली देखो क्या आएगा डब्ल्यू टू कैंसिल, हमेशा इन्फिनिटी के समय यही करना है कॉमन लेने का, कॉमन लेगा मतलब बेसिकली कॉमन लेगा तो डिवाइड होगा, तो माइनस फोर आई माइनस डब्ल्यू टू और माइनस वन हो गया। अच्छा अब चलो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात कसम, ओके शायद इजी बन जाएगा, तो कुछ जेड आई आई कैंसिल, क्या आ जाएगा थ्री जेड हो गया, ओके, देन अच्छा माइनस इसका माइनस साइन बाहर लो, तो क्या आएगा टू आई प्लस जेड ना, माइनस साइन मैंने बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और नेक्स्ट है W प्लस फोर आई, ये जीरो हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो जीरो माइनस वन इंटू माइनस डब्ल्यू, तो देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थ्री जेड हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, W हो गया, टाइम वेस्ट मत करो फोकट का, और W प्लस फोर आई इंटू टू आई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो टू आई डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू प्लस फोर आई इंटू टू आई क्या आएगा माइनस एट हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आएगा ना, है ना, और ये आएगा फोर आई जेड। अच्छा अभी मेरे को डब्ल्यू के टर्म्स में आंसर चाहिए ना,
W इज इक्वल टू, तो एक काम करो सब W वाला एक तरफ लो, क्या कहेगा 3ZW माइनस ZW क्या हो जाएगा 2ZW, और W वाला कौन सा है माइनस 2IW इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है मेरे को माइनस 8 प्लस 4IZ एक तरफ है। अच्छा अब इसमें से W कॉमन लो, क्या आएगा 2Z माइनस 2I, इनफैक्ट हाँ 2W कॉमन लो, चलो Z माइनस I हो गया ओके, एंड इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा माइनस 4 प्लस 2IZ ओके, तो W बेसिकली होगा, अच्छा 2 कैंसिल दोनों तरफ से, माइनस 4 प्लस 2IZ अपॉन Z माइनस I, ये मेरा किसका आंसर हो जाएगा W का आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो समझा, देखो वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है मेरे को, सिंपल फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करना है ठीक है, उसमें रिस्पेक्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा इन्फिनिटी को कैसे ट्रीट करना है मेरे को, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये जो भी इन्फिनिटी रहेगा उसको हमेशा कॉमन ले लेने का, कॉमन लेगा तो क्या आएगा देखो यहाँ पे कॉमन लिया W2 तो क्या आएगा माइनस 4I अपॉन W2 माइनस 1 ओके, फिर क्या आएगा सिंपल W2 का आंसर, हाँ उसको सिंप्लीफाई किया मैंने, अब लॉजिक क्या है मेरे को W इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, W इज इक्वल टू ओके, तो क्या करने का W वाला टर्म से एक तरफ ले लेने का, तो इसमें W वाला क्या था देखो 3ZW है हाँ, और ये क्या था ZW इधर लिया हाँ, तो 2ZW हो गया, इसको इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, और कौन सा W वाला टर्म है ये वाला माइनस 2IW ठीक है, देन W कॉमन लिया 2W दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ मैं क्योंकि मेरे को W इज इक्वल टू समथिंग चाहिए ना, और डेफिनेटली W वाला टर्म सब एक तरफ पड़ेगा उधर W वाला एक तरफ, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने का उससे मेरे को आंसर मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का फाइंड फिक्स पॉइंट, तो देखो फिक्स पॉइंट्स, तो फिक्स पॉइंट्स के लिए क्या होता है पुट W इज इक्वल टू Z, तो Z आएगा माइनस 4 प्लस 2IZ अपॉन Z माइनस I मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा Z स्क्वायर माइनस IZ इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2IZ, चलो इस तरफ लो क्या आएगा Z स्क्वायर माइनस IZ माइनस 2IZ, क्या हो जाएगा माइनस 3IZ, माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, अच्छा 4 का ऐसा फैक्टर्स करो कि 3 आना चाहिए, तो 4 वन जा 4 ना, बेसिकली क्या आएगा Z स्क्वायर माइनस 4IZ प्लस IZ, क्योंकि मेरे को माइनस 3IZ चाहिए ना, 4 वन जा और प्लस 4, आप इसको सिंप्लीफाई करते रहो, Z कॉमन लिया Z माइनस 4I, I कॉमन लिया हाँ, तो देखो Z माइनस 4I आएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे I स्क्वायर क्या होता है 4I स्क्वायर ना, तो माइनस 4I स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, वो आएगा करके देखो Z माइनस 4I और Z प्लस I इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली फिक्स पॉइंट क्या है Z माइनस 4I इक्वल टू 0 और Z प्लस I इक्वल टू 0, तो बस इसे जरा मैं ऊपर लिखता हूँ, बेसिकली है Z इक्वल टू 4I और Z इक्वल टू माइनस I मेरा फिक्स पॉइंट है, सब खत्म हो गया, तो सिंपल है, क्रॉस रेशियो कभी करना जब भी इन्फिनिटी आएगा तभी मेरे को क्रॉस रेशियो का सम्स का। चलो नेक्स्ट सम देखो, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स द पॉइंट्स 1i माइनस I 1i माइनस 1 ऑन टू 0 1 इन्फिनिटी, फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट्स एंड इमेज ऑफ मॉड ऑफ Z लेस देन 1 ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबको, देखो सॉल्यूशन सेम ना, इधर बताओ मेरे को Z क्या है Z1 1 है, Z2 क्या है I एंड Z3 क्या है माइनस 1, अच्छा W1 क्या है 0 ओके, W1 क्या है 1 और W3 क्या है इन्फिनिटी, चलो क्रॉस रेशियो फॉर्मूला लिखा, क्रॉस रेशियो इज हाँ चलो एक फॉर्मूला लिख दो आप, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है Z माइनस Z1 क्या है 1 ठीक है, देन Z2 माइनस Z3 है ना फॉर्मूला में, Z2 माइनस Z3 मीन्स I माइनस ऑफ माइनस 1 हाँ, Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 1 माइनस I और Z3 माइनस Z3 क्या है मेरा माइनस 1 माइनस Z इज इक्वल टू हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है W माइनस W1 W माइनस W1 W1 जीरो है, अब पहले फॉर्मूला लिखा ध्यान रखना W1 माइनस W2 W1 माइनस W2 मतलब 0 माइनस 1 W2 माइनस W3 अच्छा W3 इन्फिनिटी है तो डायरेक्ट मैं कॉमन लूंगा ठीक है, W3 कॉमन है तो W2 माइनस W3 मतलब 1 माइनस नहीं W2 माइनस W3 था ना मेरा, तो W3 कॉमन लिया मैंने बरोबर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता कन्फ्यूज नहीं था, W2 माइनस W3 था तो W3 कॉमन है तो क्या आएगा W2 अपॉन W3 माइनस 1 ना ओके, सेम नीचे भी क्या रहेगा W3 माइनस Z ना, तो अगर मैंने W3 माइनस W सॉरी तो अगर W3 कॉमन लिया तो क्या आएगा मेरे को 1 माइनस W अपॉन W3 और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा ये भी 0 होगा, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं Z माइनस 1 ये हो जाएगा I प्लस 1
और ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ये माइनस 1 माइनस जेड, ओके। ये w है, w3 कैंसल, हाँ ऐसे इन्फिनिटी का सम में वही होगा, कैंसिल हो जाएगा जो भी इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा ये क्या आएगा, जीरो, अथवा सॉल्व कैसे होगा, कैंसिल नहीं होगा तो माइनस 1, ये 1 माइनस 0 बेसिकली, तो ये माइनस 1 भी कैंसिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा, जेड माइनस 1, हाँ एक काम करिए माइनस बाहर ले लो, तो जेड माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने माइनस बाहर लिया तो ये क्या आएगा 1 प्लस जेड। अच्छा 1 आई प्लस 1 को मैं 1 प्लस आई लिख सकता हूँ, और इसको 1 माइनस आई लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। हाँ और यहाँ पे तो देखो माइनस 1 गया, तो बेसिकली क्या अपना w अपॉन 1 इज बेसिकली w बच रहा है, ओके। अब मेरे को चाहिए इसको सिंप्लीफाई करना, तो देखो एक ट्रिक है, एक काम करो ये माइनस साइन बटा ना, तो इसको उल्टा कर दो, 1 माइनस जेड लिख दो चलेगा, और ये क्या है 1 प्लस जेड, 1 प्लस आई 1 माइनस आई ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर w वाला एक तरफ करो, z वाला एक तरफ करो ना, w इज इक्वल टू समथिंग देना मेरे को, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें जो w वाला टर्म्स आएगा वो इस तरफ करने का RHS में, विदाउट w वाला RHS में, बट इतना लॉन्ग कट नहीं मारो, मेरे पास एक मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है 1 प्लस आई 1 माइनस आई, बेसिकली क्या है इसका कॉन्जुगेट भी दिख रहा है ना मेरे को, तो मेरे को डिनोमिनेटर का मेरे को आई किसका भी हटाना है, मैं क्या करूंगा इसके कॉन्जुगेट रैशनलाइज कर दूंगा, मतलब क्या करूंगा इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, 1 प्लस आई से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो ये क्या आया 1 माइनस जेड, ये क्या आएगा ए प्लस बी तो होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब ये 1 प्लस जेड ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू आ रहा है। अच्छा देखो अब इसका सिंप्लीफिकेशन ध्यान दो क्या आएगा, अच्छा 1 स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 ना, तो बेसिकली 1 ये कैंसिल हो गया, तो मेरे को आ रहा है 1 माइनस जेड इंटू 2i अपॉन 1 प्लस जेड, 1 स्क्वायर वापस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो गया, तो ये 2 आ रहा है, 2 2 कैंसिल w, तो बेसिकली w आ रहा है मेरे को 1 माइनस जेड इंटू आई अपॉन 1 प्लस जेड, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का। अब बोला फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट्स, अभी इनवेरिएंट पॉइंट्स होता है फिक्स पॉइंट, तो मैं पढ़ा इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, देखो इनवेरिएंट पॉइंट कुछ नहीं, इनवेरिएंट जो वेरी नहीं करता है, तो बेसिकली क्या हो गया फिक्स पॉइंट ही हो गया, तो फिक्स पॉइंट का अनदर नेम है इनवेरिएंट पॉइंट, तो इनवेरिएंट पॉइंट बोलो फिक्स पॉइंट बोलो एक ही बात है। तो अभी फिक्स पॉइंट कैसे करते हैं, फॉर फिक्स पॉइंट्स पुट w इज इक्वल टू z, चलो रखा z, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, और 1 प्लस जेड, ठीक है। चलो आगे इधर ही सिंप्लीफाई क्या आएगा, z प्लस जेड स्क्वायर और i माइनस जेड आई, चलो इस तरफ लो, z स्क्वायर प्लस जेड आई और प्लस जेड आई प्लस i नहीं माइनस आई, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस i कॉमन लिया तो बेसिकली क्या आएगा मेरे को, प्लस जेड कॉमन लिया, सॉरी जेड कॉमन लिया तो मेरे को 1 प्लस आई आएगा माइनस आई। तो अगर मैंने कंपैरिजन किया इसको, इसको देखो कि मैंने फॉर्मूला लिखा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, i का ऐसा फैक्टर निकालो कि 1 प्लस आएगा कोई चांस नहीं है करना, तो डेफिनेटली मेरे को एक मेथड बताया फॉर्मूला में, हाँ तो देखो उधर फॉर्मूला लिखा है। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने कंपेयर किया ये क्या क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ z, अच्छा कंपेयर किया माइनस बी, बी क्या है मेरा 1 प्लस आई प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस आई, ओके अपॉन 2 इंटू 1, हाँ जेड आएगा मेरे को माइनस 1 माइनस आई प्लस माइनस 1 प्लस 2 आई प्लस आई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 आई अपॉन 2, तो फिक्स पॉइंट आ रहा मेरे को माइनस 1 माइनस आई प्लस माइनस, अच्छा 1 और ये क्या आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, एग्जाम में डायरेक्टली आई स्क्वायर किया माइनस 1 यू चलेगा, तो ये हो गया रूट ऑफ 6 आई अपॉन 2, तो ये मेरा फिक्स पॉइंट आ गया, इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है फिक्स पॉइंट आ गया मेरे को, समझा। हाँ पैराबोलिक है कि नहीं, नहीं है नॉन पैराबोलिक, क्योंकि क्या है मेरा डिस्टिंक्ट आएगा ना, डिफरेंट दो डिफरेंट पॉइंट आने वाला है, समझा। बट पैराबोलिक पूछा तो जबरदस्ती लिखने का जरूरत नहीं, तो देखो अभी ये टाइप 4 भी हो गया, अभी हम लोग है ना टाइप 5 पे जाते हैं। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट पार्ट टाइप 5 मैपिंग z टू w, और उसमें लिखा है आंसर इन ue फॉर्म और w टू z आंसर इन xy फॉर्म, वो समझेगा आपको समझ। देखो अभी यही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इसका सपोज 1 हो गया
तो बेसिकली देखो फाइंड द वैल्यू इन ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स द पॉइंट्स, हां यहां तक हमने कर लिया फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट्स, यहां तक हो गया। एंड इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, हां अभी ये न्यू थिंग है उसमें, देखो इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, उसका मेरे को इमेज फाइंड करना है। देखो तो अभी ध्यान दो, देखो इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 ना, हां तो अगर z दिया तो डेफिनेटली मेरे को w में, तो आंसर किस में आएगा, u v फॉर्म, w का था u + i में, तो आंसर u v में आएगा। अभी देखो मेरे को मॉड ऑफ z लेस देन, पर w = है ना, तो क्या करने का, ये w इन टर्म्स ऑफ z है ना, z इन टर्म्स ऑफ w एक्सप्रेस करो, मतलब क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो, w + wz हो जाएगा = i - zi। अब सब z वाला एक तरफ करो, क्योंकि ये w इन टर्म्स ऑफ z है, मेरा मॉड ऑफ z लेस देन है ना, तो मेरे को z इन टर्म्स ऑफ w आना चाहिए, मतलब सब z वाला एक तरफ करो, तो wz + zi i माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा z कॉमन लो, w प्लस i, i माइनस डब्ल्यू, ओके तो z बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा i माइनस डब्ल्यू अपॉन w प्लस i, ओके अभी देखो मेरे को आ गया z इन टर्म्स ऑफ w, समझा, तो वही करना था, क्यों मालूम, वैसे क्यों करना था, क्योंकि मेरे को दिया है मॉड ऑफ z लेस देन 1 दिया, तो अभी मैं कर सकता हूँ इसका मॉडल एक्स लिया, चलो z दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, i माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस आई लेस देन वन ना, बिकॉज जेड इज इक्वल टू ए ना, हाँ ठीक है। तो अभी देखो मैपिंग भी हो गया, जेड जेड हट गया, डब्ल्यू आ गया, तो जेड टू डब्ल्यू में चलेगा ना, तो इमेज तो जेड का मेरे को डब्ल्यू में इमेज चाहिए, तो जेड की जगह पर डब्ल्यू आ गया, तो सिंपल है, क्या करने का, डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड रहेगा, तो जेड इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सब जेड वाला एक तरफ, विदाउट जेड वाला एक तरफ, फिर सिंप्लीफाई कर, तो जेड इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। अभी आई माइनस, अच्छा डब्ल्यू रहता है यू प्लस आई भी, वापस u प्लस आई वी प्लस आई, हाँ लेस देन वन, सिंप्लीफाई करो i माइनस यू माइनस आई वी, ओके u प्लस आई कॉमन लो, क्या आएगा v प्लस वन ना, ओके अब एक काम करो, इसमें भी माइनस यू को आगे दे दो, रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, चलो मैंने i कॉमन ले लिया प्लस i, तो क्या आएगा वन माइनस वी ना, ये ना इसमें से ये दोनों में आई है ना, तो कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे है, अच्छा इसको इस तरफ ले लो ना, चलो ले सकता हूँ मैं ऐसा, लेस देन इसको पूरा उधर लिया, क्या आएगा u प्लस आई वी प्लस वन, ठीक है। अच्छा मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टी रहता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, अच्छा रियल पार्ट क्या है मेरा, यहाँ पे रियल पार्ट है माइनस यू, तो माइनस यू का स्क्वायर, ओके इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा वन माइनस वी, तो वन माइनस वी का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसमें आई नहीं लेने का है, ठीक है। इसमें रियल पार्ट क्या है u और इमेजिनरी क्या है v प्लस वन, चलो स्क्वायर करो आप सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, हाँ दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, हाँ तो डायरेक्ट हटा सकते हो, u स्क्वायर आएगा प्लस वन माइनस टू वी प्लस वी स्क्वायर, ये भी u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन ना, एक्सपांशन किया a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर ना, तो अभी ये देखो क्या आएगा, u स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, अच्छा और क्या आएगा माइनस टू वन वन भी इनफैक्ट कैंसिल, अच्छा और लेस देन वन था ना, सॉरी इक्वल का आएगा, लेस आएगा ना, लेस था ना वो, हाँ तो बेसिकली क्या आ रहा है मेरे को माइनस टू वी और वो भी माइनस टू वी इधर आएगा, तो बेसिकली क्या हो गया माइनस फोर वी लेस देन जीरो, अच्छा माइनस फोर वी लेस देन जीरो मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको माइनस हटाना है तो बेसिकली क्या आएगा फोर वी ग्रेटर देन जीरो मीन्स वी ग्रेटर देन जीरो, अच्छा वी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, चलो अभी बता दो, वी क्या आता है एक्स प्लस आई वाई और w क्या है u प्लस आई वी, तो ऑब्वियस है ना रियल एक्सिस x है u है और इमेजिनरी एक्सिस क्या है v है, तो चलो बनाया मैं ये रियल इमेजिनरी ना, और v ग्रेटर देन जीरो तो मतलब y ग्रेटर देन जीरो बेसिकली, तो कौन सा ये है ना, क्योंकि इधर क्या रहेगा v नेगेटिव रहेगा ना, हाँ ठीक है, तो ये सम हो गया। अभी देखो इसमें इसको सम को कैसे ट्विस्ट करके, वो बोल सकते, वो बोलेगा कि फाइंड द इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन वन, या फिर वो बोलेगा कि मैप सच दैट आंसर इज अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस, अपर हाफ ऑफ द, ये अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस है ना, मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है, अपर हाफ ऑफ द, अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस क्या आएगा वी ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोअर हाफ, तो लोअर हाफ क्या आएगा बेसिकली वी लेस देन जीरो है ना, ये भी पूछ सकता है, फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि ये वाला पार्ट, तो ये क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा u ग्रेटर देन जीरो ना, मीन्स टू द राइट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस है ना v का, और टू द लेफ्ट भी पूछ सकता है, तो लेफ्ट में क्या रहेगा ऑब्वियस u लेस देन जीरो ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, समझा, ये टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान दो उसको कंफ्यूज नहीं होने का क्वेश्चन देख के, समझा। चलो अभी हम लोग है ना नेक्स्ट सम पे आते हैं,
नेक्स्ट सम। अच्छा देखो नेक्स्ट सम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू है ना, इसको क्या क्या तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्या क्या डिफरेंट तरीके से एक ही क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो लोग, ये बोलेंगे नहीं, इसे लिख देंगे यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन। अच्छा यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन बोले या मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तरीका है ये कंफ्यूज करने का। एक और तरीका है, देखो ऐसा भी दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो बेसिकली ये भी मॉड ऑफ जेड है। क्यों मानूंगा, देखो अब बता दो, देखो मॉड ऑफ जेड क्या है मेरा, जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई, तो अगर मॉडुलस लिया मैंने तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, है ना। और अगर मेरा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन है, मतलब वन इज इक्वल टू, मतलब ये देना मेरे को मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, मीन्स क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेसिकली क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर क्या दो मतलब इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, बस ध्यान में रखो, ठीक है। तो अगर ये दिया है तो ऐसा करके सम करो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें कुछ डिफरेंट मेथड भी दिया वो मत करो, वो डिफिकल्ट है, आपको समझेगा कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, मतलब दोनों वन इज द सेम थिंग है, ठीक है। तो ऐसा समझाया तो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करो और सम को सिंप्लीफाई करो। चलो तो अभी देखो नेक्स्ट सम देखते हैं। So that under the transformation w is equal to 2z plus 3 upon z minus 4, the circle x square plus y square equal to 4x in the z plane is transformed into the straight line 4u plus 3 equal to 0 in the w plane. अच्छा, अभी ये भी देखो, x square plus y square equal to 4x ही है, ठीक है। तो इसको भी सेम तरीके से करता हूँ, मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ, x square plus y square equal to 4x है ना, तो पहले मैं इसको z plane में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को z plane से बेटर रहेगा। तो एक काम करो, इसको इस तरफ ले लो, माइनस 4x हो गया प्लस y square इक्वल टू जीरो हो गया। अच्छा अभी मेरे को इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, मेरे को z प्लेन में कन्वर्ट करना ना, तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। अच्छा थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इनटू मिडिल टर्म का स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ समझेगा आपको, देखो क्योंकि मेरे को सर्कल का इक्वेशन बनाना है, बेसिकली सब सर्कल ही है, x का माइनस 4x, तो हाफ इनटू मिडिल टर्म, यहां पे मिडिल टर्म क्या है 4 माइनस 4 इनफैक्ट, तो 2 2 जा और स्क्वायर का तो 4 ही आने वाला है, तो मेरे को 4 से 4 को ऐड करना है, तो दोनों तरफ करूंगा ना, चीटिंग नहीं करूंगा मैं। तो बेसिकली ये क्या आएगा, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर, ना इक्वेशन ऑफ सर्कल कंपेयर करो किससे, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच दो होल स्क्वायर प्लस y माइनस k दो होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका मैं, और h कॉमा k सेंटर होता है ना, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, देखो अब ध्यान देखो इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ x माइनस टू प्लस आई वाई, है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4 ना, ठीक है, हाँ नहीं रूट लूंगा तो मेरा ये 2 ही रहेगा ना, ओके। देन अब इसको और मेरे को फर्दर सिंप्लीफाई करना, तो बेसिकली क्या आएगा, देखो एक मिनट रुको, अच्छा यहाँ की मिस्टेक मत करना, 2 आएगा, ध्यान रखना, ठीक देखो x माइनस टू प्लस आई वाई, तो अभी इसको ऐसे देता हूँ x प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू टू, अच्छा x प्लस आई वाई क्या होता है z ना, तो इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा इसको ये करता हूँ, बता देता हूँ, ओके देखो x प्लस आई वाई क्या होता है मेरा, बेसिकली z ना, तो बेसिकली आ रहा है मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो z के फॉर्म में आ गया, ठीक है। हाँ अब इसको चलो इक्वेशन 1 बना दूँ, अब मेरा w का गिवन है 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4, तो सेम थिंग ना, w इन टर्म्स ऑफ z है तो z इन टर्म्स ऑफ w एक्सप्रेस करो, क्योंकि मेरे को z माइनस 2 का वैल्यू है ना, मेरे पास z माइनस 2 है, हाँ इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में, तो क्या करूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा wz माइनस 4w इज इक्वल टू 2z प्लस 3, ओके। अब मेरे को z बनाया तो सब z वाले एक तरफ करो, wz माइनस 2z 3 प्लस 4w, ओके z कॉमन लिया तो क्या आएगा w माइनस 2 और 3 प्लस 4w, तो बेसिकली z क्या आ रहा है मेरे को 3 प्लस 4w अपॉन w माइनस 2, ओके। तो ये मेरा एकदम सिंप्लीफाई हो गया, हाँ z इन टर्म्स ऑफ w आ गया, सिंपल सारे सब में ऐसे ही करना है, ओके। हाँ तो अभी z इन टर्म्स ऑफ w है, अब देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, चलो अब मेरे को क्या करना है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, हाँ सिंस मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 2, अच्छा मॉड ऑफ z क्या है मेरा 3 प्लस 4w 4w माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसको सिंप्लीफाई करो, चलो 3 प्लस 4w माइनस 2w माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ओके अपॉन w माइनस 2, अच्छा मॉडुलस को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी मतलब दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलस दे सकता हूँ, हाँ ओके। फिर ये जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 4 7 प्लस
2W ना, 3 plus 4 और 4W minus 2W ना, like terms by subtract करने का, 2 mod of W minus 2, okay, तो अभी देखो, 7 plus 2, W क्या है, U plus I V, 2, और W क्या है, U plus I V, minus 2, तो further simplify क्या, 7 plus 2 U plus I into 2 V लिखता हूँ मैं, ये भी 2 बार रहें दो, U minus 2 plus I, मतलब real part साथ में ले रहा हूँ जिसमें I नहीं है और I वाला part अलग, तो real part क्या है इसमें मेरा root of क्या आएगा, 7 plus 2U का square plus 2V का square is equal to 2 square हो गया, और ये आएगा root of U minus 2 का square plus V square, चलो तो दोनों तरफ से squaring किया तो मेरा क्या हो जाएगा, नहीं ये तो 2 रहेगा, सॉरी अभी squaring करूंगा मैं, हाँ दोनों तरफ से square किया तो मेरा basically क्या आएगा, मेरा root हट जाएगा, तो क्या आएगा, और a प्लस बी तो होल स्क्वायर करो, पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायर करो तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों का रूट हट जाएगा, ठीक है, तो a प्लस बी तो होल स्क्वायर क्या आएगा, 49 प्लस 28u प्लस 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, ओके, हाँ ये आएगा u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 4 प्लस v स्क्वायर, तो ठीक है LHS तो सेम रहेगा, RHS में ये 4 अंदर मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा 4u स्क्वायर माइनस 44 जा 16 यू देन प्लस अगेन 44 जा 16 प्लस 4 वी स्क्वायर, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, हाँ 4 यू स्क्वायर कैंसिल, 4 वी स्क्वायर 4 वी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं, अच्छा अब सबको एक तरफ लो, 49 है और माइनस 16 कितना हो जाएगा 33, 28 यू और प्लस 16 कितना होता है 28 प्लस 16 44u, ठीक है, तो उसको 3 और 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आएगा 3 plus 4u is equal to 0, ये आंसर चाहिए ना मेरे को, हाँ 4u plus 3 is equal to 0, तो रीअरेंज कर दो, खत्म हो गया, समझा, तो सारे सम में ऐसा ही करना है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, देखो पहले तो इसको z में कन्वर्ट करो, कैसे मैंने किया वही मिडिल टर्म है ना, थर्ड टर्म निकाला, उसको पूरा सिंपलीफाई करते जा रहे हैं, अब मेरे को ये दिखा, हाँ ये वाला कैसे रहता है, देखो यहाँ पे देखो ये क्या रहता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, तो इसका रिवर्स दिया मैं, रियल पार्ट क्या होगा x माइनस y होगा 2 सॉरी, और इमेजिनरी क्या होगा i y, और स्क्वायर स्क्वायर रूट करूंगा तो भी मेरा मॉडुलस आता है ना, ठीक है, फिर रियल मैंने क्या किया x प्लस i को साथ में लिया वो z होता है ना, और z माइनस 2, ठीक है, तो उसको फिर सिंपलीफाई करते क्या, हाँ फिर मेरे को w इन टर्म्स ऑफ z आया, फिर क्या किया मैंने z इन टर्म्स ऑफ w, इसको मल्टीप्लाई किया सब z वाला एक तरफ विदाउट z वाला एक तरफ सिंपलीफाई किया, फिर अभी मेरे को ये दिखा z माइनस 2 इक्वल टू 2 उसमें सब्स्टिट्यूट किया, W को क्या सब्स्टिट्यूट करने का U plus IV और उसको सिंपलीफाई करने का, समझा आंसर आ जाएगा, ओके चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग, अच्छा ये पार्ट में अभी भी कंफ्यूजन होता रहेगा, तो देखो सिंपल ध्यान रखो, एक तो स्क्वायर हटा देने का सब जगह से, हाँ फर्स्ट थिंग मॉडुलस लेने के लिए स्क्वायर हटा देने का, और एक रियल पार्ट रहेगा एक इमेजिनरी पार्ट, तो एक्स हमेशा रियल रहेगा और वाई हमेशा क्या रहेगा इमेजिनरी, सिंपल, तो वैसे आपको लेना है, समझा, चलो अभी नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग, चलो लास्ट सम टाइप 5 का ही देखो, यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 सिंपल है, जेड प्लेन का तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 और डब्ल्यू प्लेन का तो मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 सिंपल, तो अभी देखो लास्ट सम शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड प्लस 2 अपॉन 4 जेड प्लस आई मैप्स द रियल एक्सिस इन द जेड प्लेन इन टू अ सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन जेड प्लेन, अच्छा इसके लिए कोई समझ नहीं कि मैप्स द रियल एक्सिस इन जेड प्लेन, अच्छा रियल एक्सिस इन जेड प्लेन का मीनिंग क्या होता है, रियल एक्सिस इन जेड प्लेन, हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या होता है बेसिकली y इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू 0 पे मेरे को पूरा सम करना चाह रहा है, तो बेसिकली सेम थिंग है, पहले w है ना, w इन टर्म्स ऑफ z है, z इन टर्म्स ऑफ w को चलो w इज इक्वल टू क्या है iz + 2 अपॉन 4z + i, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने सिंपलीफाई किया आएगा 4wz + wi ना इज इक्वल टू iz + 2, अब वही लॉजिक ना z वाला सब एक तरफ, तो क्या आएगा 4wz - iz इज इक्वल टू 2 माइनस आई डब्ल्यू जेड कॉमन लिया 4W माइनस आई 2 माइनस आई डब्ल्यू तो जेड आएगा मेरा 2 माइनस आई डब्ल्यू अपॉन 4W माइनस आई, ओके अभी नेक्स्ट पार्ट देखो चलो मेरे को आ गया जेड इन टर्म्स ऑफ W, अभी प्रॉब्लम क्या देखो वो तो मैं एक्सप्रेस कर दिया यूनिट सर्कल का मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 लेकिन इसमें नहीं कर सकता, तो मेरे को ना इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब मेरे को इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई ना और इक्वल टू यहाँ पे भी अगर रियल इमेजिनरी का तो मैं इक्वेट करके कर सकता हूँ ना सम,
तो अभी मेरे को इसको इक्वेट करना पड़ेगा, लेकिन इक्वेट करने में एक प्रॉब्लम है, क्या है कि डिनोमिनेटर में भी आई है, मेरे को ये आई हटाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको यू एल वी में एक्सप्रेस कर देता हूँ, टू माइनस आई, डब्ल्यू क्या आता है यू प्लस आई वी, फोर यू प्लस आई वी माइनस आई, अब चलो इसको टू माइनस आई यू माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आई स्क्वायर क्या होता है माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा, ओके हाँ, और डिनोमिनेटर में आएगा फोर यू प्लस आई इंटू फोर वी माइनस आई। अब मेरे को क्या करना है, रियल इमेजिनरी में सेपरेट करना है, तो चलो ठीक है न्यूमरेटर तो सेम रहे, तो चलो टू प्लस वी माइनस आई यू लिखता हूँ, हाँ रियल पार्ट साथ में लिखा, इसमें भी रियल साथ में, फोर यू प्लस आई कॉमन लिया तो क्या आएगा फोर वी माइनस वन ना। अब मेरे को डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है क्या करने का, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का, मतलब फोर यू माइनस आई फोर वी माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है मेरे पास, वही एक ऑप्शन है फोर यू माइनस आई फोर वी माइनस वन से, मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपको सिंप्लीफाई करो, सेट इज इक्वल टू एट यू, चलो पहले फोर यू को सबसे मल्टीप्लाई करो, प्लस फोर एवरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, इतना झंझट करने का जरूरत है, मस्त शॉर्टकट देखो, ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सम, हाँ तो शॉर्टकट क्या देखो, क्योंकि अगर इसमें करूँगा ना फिर मेरे को रियल पार्ट मतलब सब रियल पार्ट साथ में लेना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट अगर से लेना पड़ेगा, और बाद में वाई को टू जीरो लेके दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट देखो किधर है, फॉर रियल एक्सिस, ध्यान दो अभी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या होता है मेरा वाई इज इक्वल टू जीरो ना, देयरफॉर टेकिंग ओनली इमेजिनरी पार्ट्स, मैं लिख दूंगा टेकिंग ओनली इमेजिनरी पार्ट्स एंड इक्वेटिंग, हाँ तो इक्वेट किया तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट क्या रहता है मेरे को अभी सिर्फ करना ओनली इमेजिनरी पार्ट, हाँ क्योंकि वाई इक्वल टू जीरो तो वाई का इमेजिन तो जीरो इज इक्वल टू, अब स्मार्ट हो देखो, अब यहाँ पे देखो टू प्लस वी मेरा रियल पार्ट हुआ, टू प्लस वी अगर मैंने फोर यू से मल्टीप्लाई किया तो इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, रियल आएगा ना, क्योंकि इसमें आई है नहीं, तो टू प्लस वी को इससे मल्टीप्लाई करो तो मेरे को क्या आएगा टू प्लस वी इन टू, हाँ इमेजिनरी पार्ट में आई लिखने का नहीं तो क्या है माइनस, हाँ माइनस मैं लिखता हूँ फोर वी माइनस वन, हाँ ये एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, आई लिखना नहीं है ठीक है, आई आ रहा है तो यहाँ पे आई वाई रहता ना ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई लिखने का जो आई के साथ है वो लिखने का, अच्छा देखो ये आ गया इससे इससे तुम चलता है, अभी इसका देखो माइनस आई यू इसे किया तो कितना आएगा, हाँ आएगा माइनस आई यू, तो आई को तो इग्नोर करना, माइनस यू इंटू फोर यू क्या आएगा माइनस फोर यू स्क्वायर आएगा, ओके अपॉन, हाँ बिल्कुल कोई इसका ये भी ना इसके साथ किया तो आई स्क्वायर तो माइनस बन जाएगा, आई हट जाएगा, तो मेरे को वो नहीं लेना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आई आएगा ठीक है, या फिर ये पूरा सिंप्लीफाई करो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करो, फिर इक्वेट करो वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई में जो आपका है ना वाई या फिर जीरो लिखो और उस साइड इमेजिनरी पार्ट कर लिखो, मतलब एंड में यही करना है तो बेटर है डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ना माइनस आई, हाँ इसका पूरे का स्क्वायर, अच्छा ये इसको जाके मल्टीप्लाई का तो जीरो हो जाएगा, अच्छा माइनस बार ले लो सीधा इसमें से, तो ये बेसिकली क्या आएगा एट वी फोर टू जा माइनस टू प्लस फोर वी स्क्वायर, हाँ माइनस मैंने बाहर ले लिया ये देखो एकदम ठीक है, तो इसके साथ सिंप्लीफाई करोगे फोर वी स्क्वायर हो गया और माइनस वी हो गया माइनस फोर यू स्क्वायर, तो थ्रू माइनस हटाई दो ना तो ये भी प्लस हो जाएगा, अच्छा क्या आ रहा है मेरे को, तो अगर मेरे ये भी प्लस होगा चलो मैं लाइन में देखता हूँ फोर यू स्क्वायर सब ये हट गया ना ये प्लस हो गया, हाँ ये लिख दिया मैंने प्लस फोर वी स्क्वायर एट वी माइनस वी क्या आएगा प्लस सेवन वी और माइनस टू हो गया, ओके अच्छा अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं फोर यू स्क्वायर, अच्छा एक काम करता हूँ पहले मैं इसको पहले दिया देखते हैं फोर वी स्क्वायर प्लस सेवन वी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, अब थ्रू आउट फोर से डिवाइड कर दो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सेवन बाय फोर वी माइनस या इक्वल टू टू ले लो बेटर रहेगा, अच्छा अभी कोई लॉजिक ना मेरे को थर्ड टर्म लेना है, क्या लेना है थर्ड टर्म, तो फटाफट थर्ड टर्म क्या आएगा हाफ इंटू सेवन बाय फोर का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा सेवन बाय एट का स्क्वायर ना, मतलब कितना फोर्टी नाइन बाय सिक्सटी फोर एड एंड सब्ट्रैक्ट करो फटाफट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सेवन बाय फोर वी प्लस फोर्टी नाइन बाय सिक्सटी फोर, और इधर भी करो टू प्लस, ओके तो बेसिकली आ रहा है यू स्क्वायर, ये आएगा वी प्लस सेवन बाय एट का स्क्वायर, और ये आएगा ये भी 81 बाय 64 आने वाला है, ओके हाँ सिंप्लीफाई करो कैसे आपके पास,
तो बेसिकली आंसर आया u स्क्वायर प्लस v प्लस 7 बाय 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी आ रहा है 7 बाय सॉरी 9 बाय 8 का। तो अभी देखो कंपैरिजन करो, उनको सेंटर आएगा, अगर कंपैरिजन क्या x माइनस h तो है नहीं, तो सेंटर आएगा 0 हो गया और y माइनस के से कंपेयर तो माइनस 7 बाय 8 एंड रेडियस आएगा 9 बाय 8 कंपैरिजन पे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड the points on z plane which is mapped onto the center of the circle, तो वो आपको फिक्स पॉइंट फाइंड करना, फिक्स पॉइंट फाइंड करोगे वही आएगा। ओके, तो गाइस सारे सम्स हो गए, वीडियो को लाइक शेयर है सब्सक्राइब करो। मोर थिंग, जो लाइव सेशन का हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन भेज सकते हो, और लाइव सेशन भी मैंने आपसे एक बात किया था, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन भेज सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर पे पिंग कर सकते हो।